नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, ज्वालामुखी से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ज्वालामुखी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ढोल नगाड़ों के साथ सीएम का स्वागत किया गया है। कांग्रेस नारी शक्ति कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया है। आपको बता दें कि ज्वालामुखी की जनता को आज सौगात देंगे मुख्यमंत्री, उठाओ पेयजल योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि 38 करोड़ सरकारी डिग्री कॉलेज का भी आज शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम सुक्खू का ज्वालामुखी दौरा है और आज ज्वालामुखी को कई करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया है। तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से यहां पर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ कई बड़े दिग्गज नेता भी यहां पर मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी ज्वालामुखी से आपको दे रहे हैं। उठाऊ पेयजल योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। 38 करोड़ 17 लाख की लागत से ये योजना बनी है। डिग्री कॉलेज का भी यहां पर शिलान्यास करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। यहां पर नारी शक्ति का यहां पर हुजूम देखा गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के स्वागत में भारी संख्या में महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं। ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया है। सीएम सुक्खू का ज्वालामुखी दौरा और आज कई करोड़ की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री ज्वालामुखी पहुंचे हैं। उठाऊ पेयजल योजनाओं सहित तमाम कई यहां पर योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्वालामुखी से पंकज शर्मा जुड़ चुके हैं। पंकज, आज मुख्यमंत्री ज्वालामुखी के दौरे पर हैं और यहां पर कई करोड़ के सौगात देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच चुके हैं। ये लगभग 204 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले इन्होंने लुथानवे पेयजल योजना का उद्घाटन किया, उसके साथ बरौली कोटियारा में जल मिशन का उद्घाटन किया। अभी ये डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी में पहुंच गए हैं, जहां पे ये जनता गांव के द्वार पे आके लोगों की जन समस्या सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। साथ में ज्वालामुखी में पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद ज्वालामुखी में नगर परिषद के द्वारा बनी हुई पार्किंग और जी मैरिज पैलेस का उद्घाटन करेंगे। साथ में एक नाला पड़ता है कप्पर नाले के ऊपर ओवरब्रिज का शिलान्यास करेंगे। पंकज, अगर मुख्यमंत्री के इस दौरे को देखा जाए लोकसभा चुनाव को देख करके, तो कितना महत्वपूर्ण माना जाएगा इस दौरे को लेकर? दौरे को तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। अब जनता क्या करती है, ये जनता जनता के ऊपर आधारित है। एक तो एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा है, दूसरी तरफ विकास का मुखिया का मुद्दा है। अब देखते हैं जनता किस तरफ अपना मुंह मोड़ती है। बहुत शुक्रिया पंकज शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम सुक्खू ज्वालामुखी के दौरे पर है, डिग्री कॉलेज का यहां पर शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि 7 करोड़ 81 लाख से निर्मित हॉल का भी यहां पर उद्घाटन किया जाएगा। ज्वालामुखी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहां पर आपको बता दें कि ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव है, जिसको देखते हुए मद्देनजर यहां पर लगातार मुख्यमंत्री कई दौरे पर यहां पर रह रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई बड़े योजनाओं का लोकार्पण कर चुके हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास कर चुके हैं और आज यहां पर ज्वालामुखी के दौरे पर पहुंचे हैं और यहां पर डिग्री कॉलेज समेत कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बद्दी का दौरा किया है, बद्दी अग्निकांड का जायजा भी लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, सीएम ने घायल लोगों का हालचाल जाना है, मृतकों के परिजनों का यहां पर 2 लाख देने की घोषणा की है। एक्सीडेंटल डेथ पर दिए जाएंगे 4.5 लाख रुपए। लापता और मृतक के परिजनों से भी मुलाकात किए हैं। मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। सीएम ने परिजनों को बताया है कि जिस तरह से यहां पर यह हादसा पेश आया है, इस हादसे को देखा गया है, इसको लेकर सरकार काफी सख्त है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने परिजनों से यहां पर मुलाकात की है, बद्दी के दौरे पर रहे हैं, बद्दी अग्निकांड का निरीक्षण भी किया है, जायजा भी लिया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। मुख्यमंत्री ने घायल लोगों से मुलाकात की है, तस्वीर भी आपके सामने है। मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे थे, घायलों को
देखने के लिए, घायलों से मुलाकात करने के लिए, लापता और मृतक के परिजनों से यहां पर मुलाकात करते यहां पर नजर आए हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप सुन रहे थे, यहां पर लगातार मुख्यमंत्री आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। घुमराड़ी में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने शिरकत की है। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय लोगों के समस्याओं को सुना है, उसके निवारण के लिए क्षेत्रों में पीने के पानी और लो वोल्टेज की समस्या के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। एचआरटीसी जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार से कर्मचारियों की पेंशन का स्थायी हल करने की मांग की गई है और पेंशन में बढ़ोतरी करने के साथ साथ रिवाइज एरियर की पहली किस्त जारी करने की मांग भी की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी मांगों का यहाँ पर ज्ञापन सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक प्रतिनिधि मंडल जो 50 कार्यकर्ताओं का मिला है हमीरपुर से, और ग्रीफ रेस्ट हाउस में मिला और वहाँ पर हमने उनको भी मांग पत्र सौंपा है, परंतु उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं जो आपकी बैठक जो है शीघ्र बुलाता हूँ और आपकी समस्या के ऊपर चर्चा करेंगे, परंतु अभी तक उन्होंने हमें समय नहीं दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जो है मैं वार्ता के लिए बुलाए और हमारी जो मांगें हैं प्रमुख मांगे हैं वो आपको पता ही है सबको, 65-75 वर्ष पूरे कर चुके कर्मचारियों को अभी तक 5-10-15 प्रतिशत का वित्तीय लाभ नहीं दिया गया है, जबकि और विभागों में ये दे दिया गया है, सिर्फ एक एचआरटीसी एक विभाग ऐसा है जिसमें नहीं दिया गया है। हमीरपुर के तहत आने वाली वन रेंज में वन मित्रों की शारीरिक दक्षता का आयोजन किया गया है और युवा बढ़ चढ़कर अपनी योग्यता का दमखम दिखा रहे हैं। डीएफओ राकेश कुमार की निगरानी में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन हुआ है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास हुए युवाओं ने बताया है कि वन मित्र भर्ती परीक्षा के लिए कई दिनों से इंतजार कर रहे थे और भर्ती में हिस्सा लेकर अच्छा लगा है। उन्होंने बताया है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी कर रखी थी, जिससे आज प्रदर्शन अच्छा रहा है। देखिए, आज हम तीन जगहों पे वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया कर रहे हैं। हमीरपुर और अघार रेंज की जो है यहाँ सेंट्रल स्कूल हमीरपुर के पास हो रही है। बिजड़ी और जो बड़सर रेंज है उनकी आईटीआई बनी के पास हो रही है बड़सर में, और नदौन के अंतर ग्राउंड के पास हो रही है, अंतर जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके पास से हो रही है। तो आज मतलब कुल 70 बीते हैं हमारी यहाँ पर हमीरपुर में, तो 70 पद हैं और आज सभी की जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट है वो 8 तारीख को पूरे हमीरपुर डिवीजन का कंप्लीट किया जाएगा। तो शाम तक देखते हैं कितने लोग आवेदन है, वो लगभग 2650 लोगों ने किया हुआ है, 2648 या कुछ ऐसे लोग हैं तो उन्होंने आवेदन किया हुआ है, और उसमें से कुछ जो क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर रहे थे वो शायद नहीं आए हैं इसमें, और शाम तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कितने लोग क्वालिफाई। सर, पुरुषों के लिए कितनी दौड़ है? देखो, महिलाओं के लिए तो 1500 मीटर की रेस है जो कि 10 मिनट में पूरी करनी है, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की है, 5000 मीटर की, जो कि आधे घंटे में पूरी करनी है उनको, और ये क्वालिफाइंग नेचर की है, जो क्वालिफाई करेगा सारे फिजिकल मेजरमेंट के लिए अंदर आएंगे। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाने के लिए सोलन में आवेदकों के ड्राइविंग टेस्ट लिए गए हैं, जिसके लिए बसाल हेलीपैड पर ड्राइविंग टेस्ट का आयोजन किया गया है। इस दौरान जिन भी आवेदकों ने टैक्सी योजना के लिए आवेदन किया था उनका ड्राइविंग टेस्ट लिया गया है और उनसे ड्राइविंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें सभी आवेदकों की ओर से दिखाई गई स्किल की एक रिपोर्ट विभाग की ओर से बनाई जाएगी, जिसे विभाग की एक तरफ से सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी।
अरुणाचल प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो स्टार्टअप है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है, उसमें जो ई टैक्सी दी जानी है सभी डिपार्टमेंट्स को, जो सरकार की नीति है कि जितनी भी आगे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गाड़ियां लगनी है वो सारी ई टैक्सी जो ईवी व्हीकल के माध्यम से लगनी है, उसके तहत सरकार जो 50% सब्सिडी इसमें दे रही है। तो हमारे पास पूरे हिमाचल प्रदेश में 1200 एप्लीकेशन है और डिस्ट्रिक्ट सोलन की 101 एप्लीकेशंस है, तो उसमें से अभी 500 परमिट दिए जाने हैं पूरे स्टेट में, तो उसके लिए ये टेस्ट लिया जा रहा है और इसमें ड्राइविंग टेस्ट और उनकी जो ड्राइविंग स्किल है उसको परखा जा रहा है। उसके आधार पर मेरिट लिस्ट पूरे स्टेट की डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट द्वारा तैयार की जाएगी। और नशे के बढ़ते प्रचलन पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग भी निरंतर कार्यरत है। युवाओं में नशे का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसी दिशा में स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है जिससे नशे के दुष्प्रभावों के बारे में युवाओं को अवगत कराया जा सके। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने बताया है कि नशा निवारण के लिए जिले भर में 6 नए केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां युवा नशे की लत से खुद को बचा सके। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। चिट्टा भी एक बहुत नवीनतम नशे का एक स्वरूप बनकर आया है जिसने हमारे समाज को विषैला कर दिया है। चिट्टे के चलते हुए हमने लगभग 270 मरीज पिछले साल में सोलन शहर के आसपास के रहने वालों को ठीक किया है सरकारी अस्पताल में ही, और ऐसे मरीजों को दाखिल करने की नौबत नहीं आती। सिर्फ काम ये करना होता है कि परिवार का एक सदस्य उसको नर्स बनाकर उसको प्रशिक्षण देकर उसी के हाथों द्वारा, परिवार के सदस्यों के हाथों द्वारा दवाइयों का देने का काम करते हैं और निरंतर हर 10-15 दिन के अंदर अंदर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से मुलाकात करवाते हैं। चिट्टे के मरीज भी बिल्कुल उसी तरीके से ठीक हो जाते हैं जिस प्रकार से बाकी नशे से ग्रसित जो मरीज होते हैं। पांवटा साहिब में आईपीएच विभाग और बिजली विभाग से किसान परेशान है। शिवपुर में 3 वर्षों से पेयजल योजना तैयार हो चुकी है लेकिन उसका पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण किसानों को परेशानी हो रही है और किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने केंद्र शासित अभियंता से इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग भी उठाई है। ये हरिपुर टुहाना के अंदर एक पेयजल योजना है, वो लगभग 3-4 साल से तैयार पड़ी है। आईपीएच के पास आए थे कि ये अभी तक इस योजना को सुचारू रूप से चालू क्यों नहीं किया जा रहा, तो आईपीएच एक्शन ने बोला कि हमने पैसा जमा करा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग ने अभी तक उसमें कनेक्शन नहीं किया। तो जब इलेक्ट्रिसिटी विभाग के पास जाते हैं तो उन्होंने पीछे बोला था कि हमारे पास जमा नहीं हुआ है, हमारा फुटवॉल बना हुआ है दोनों विभागों के अंदर। पर अब जो अभी पता लगा है कि पैसा यहाँ से जमा हो गया है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी विभाग की दिक्कत है कि वो अभी तक वो कनेक्शन नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हम अभी इलेक्ट्रिसिटी विभाग के पास भी जा रहे हैं, उनको भी बोलने जा रहे हैं कि अगर आप समय रहते इसको नहीं करेंगे तो मजबूरन जो है इलाके के लोग और हरिपुरवाड़ा के लोग जो है सड़कों को खोलेंगे, जिसके लिए आप सब आपकी जिम्मेदारी होगी। सर्दियों में लोगों को ड्राई स्पेशल की समस्या हो रही है। आईजीएमसी में रोजाना इसके 10 से 15 मरीजों के मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही आंखों में ड्राइनेस एक सामान्य समस्या है लेकिन कई बार ये किसी व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है जिसमें मौसम का असर सबसे ज्यादा आंखों पर ही पड़ता है। आईजीएमसी के आई विभाग के एचओडी डॉक्टर राम लाल शर्मा ने बताया है कि सर्दियों में चलने वाली ठंड हवाएं आंखों को नुकसान पहुंचाती है। सर्द हवाओं के साथ धूल के कण और जहरीला धुआं आंखों में जाता है, इसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस की समस्या हो सकती है। जो हमारी दृष्टि है वो दूर और नजदीक दो अलग अलग तरीकों से हमारी आंखें काम करती है। जो हमारी दूर की दृष्टि है ये तो किसी भी एज में या किसी भी स्टेज में कम हो सकती है, खराब हो सकती है। जैसे बच्चों में चश्मे दृष्टि दोष जिसको हम कहते हैं, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है और इस तरह के 3 अलग अलग तरह के दृष्टि दोष होते हैं जिसको कि चश्मे के साथ ठीक किया जा सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेसिफाई करें कि जब भी बच्चा स्कूल गोइंग होता है तो हमेशा उसकी एक बार नज़र चेक करा लेनी चाहिए जब भी बच्चा स्कूल में जाता है कि उसकी दृष्टि क
कम तो नहीं है, ताकि हम उस जो 5 से 15 साल की उम्र है, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनमें हमेशा से दृष्टि दोष की एक संभावना रहती है। प्रदेश में अचानक मौसम में बदलाव हो गया है, जिससे तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से बीमारी और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ गया है। सर्दियों के मौसम में गिरते तापमान के साथ कई प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण श्वास संक्रमण सहित कई बीमारियों का जोखिम हो सकता है। ठंड तो बढ़ गई है और इस तरह के जो विंटर्स के होते हैं, जो खांसी जुकाम और निमोनिया, वो थोड़े से बढ़ गए हैं। ठंड का यही है कि ठंड जैसे मौसम थोड़ा सा बदलता है, गर्म सर्द हो जाता है, तो उससे जो है वायरल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाती है। थोड़ा सा ये भी है, मास्क वगैरह जो है द्वारा से चलन में खत्म हो गए हैं, तो वो भी विंटर्स में, क्योंकि ये सारी जो है एयर ड्रॉप से एयर ड्रॉपलेट इंड्यूस्ड है, तो वो भी बढ़ रही है, यही कारण रहे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमीरपुर के बीडीओ सभागार में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की फूड प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में बीस स्वयं सहायता समूहों की 77 लाभार्थी महिलाएं भाग ले रही हैं। शिविर में महिलाओं को किस तरह से उद्योग विभाग की विभिन्न स्कीमों से लाभ उठाया जा सकता है, इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। महिलाएं हमीरपुर ब्लॉक के अलग अलग ग्राम पंचायतों से आई हैं, जो कि हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड भी करवा देंगे। यहाँ अभी करीबन करीबन 15 से 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप की लगभग 77 महिलाएं अभी इस आज के सेमिनार में और आज की ट्रेनिंग में इन लोगों ने भाग लिया है। ये ट्रेनिंग है पिछले एक महीने से चल रही है और आने वाले करीबन करीबन 4-5 दिन लगभग 12-15 तारीख तक। और स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने सोलन का 1 दिवसीय दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने शहर के गंज बाजार में वाटर फिल्टर का लोकार्पण भी किया है। इस वाटर फिल्टर से स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। वह इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने कहा कि स्थानीय लोगों ने यहां पर पानी को लेकर वाटर फिल्टर यहां पर लगाया है, जिसमें गर्म और ठंडे पानी की सुविधा लोगों को मिलने वाली है, जिससे लोगों को स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा भी मिलेगी। मेरा मानना है कि जैसे हम सब जानते हैं जल ही जीवन है, और लोगों ने यहाँ की समस्या को समझा। यहाँ पे जब माँ शूलिनी का मेला होता तो माँ के पास 2 दिन ठहरने के लिए माता आती है यहाँ पे अपनी बहन के पास, उस वक्त यहाँ पे काफ़ी लोगों को जल की आवश्यकता होती है। और मेरा मानना है कि इन्होंने कमल ठाकुर जी ने और उनके साथ सहयोगी ने और हमारे सभी पार्षद लोगों ने जो काम किया है, ये बधाई के पात्र हैं और ये अच्छा सराहनीय कदम था। हाँ, नहीं तो लोगों को पानी खरीदना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी एक सुविधा दी गई है, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। गर्म भी है और ठंडा पानी दोनों ही इसमें मिलते हैं। नाहन में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे हैं। बैठक के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने हर योजना की शुरुआत गरीबों के कल्याण को देखते हुए की है, जिससे समाज का हर वर्ग योजनाओं का लाभ उठा सके। मोदी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 370 और 400 पार एनडीए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग जो है वो दिन रात मेहनत करेगा, ताकि ये वर्ग जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, हिमाचल टीटी नवंबर 2023 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट को आप देख सकते हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल का पासिंग प्रतिशत सबसे कम रहा है इस बार। जेबीटी और डीएलएड का पास प्रतिशत 82.8% रहा है। तो आपको बता दें कि टीजीटी मेडिकल
28.61% रहा है। तो ये बड़ी जानकारी शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि टीजीटी नॉन मेडिकल का पासिंग प्रतिशत में भारी गिरावट देखी गई है। तो ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। टीजीटी मेडिकल 28.61% रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि हिमाचल टीईटी नवंबर 2023 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो वहीं टीजीटी नॉन मेडिकल का पासिंग प्रतिशत बेहद कम रहा है इस बार। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। जेबीटी और डीएलएड का पास प्रतिशत 82.8% रहा है। तो टीजीटी मेडिकल की अगर बात की जाए तो 28.61% रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि क्योंकि ये जो टैट का नवंबर में जो हमने एग्जाम लिया था वो उसका रिजल्ट अब तैयार हो गया है, तो उसको आपके माध्यम से उसको हम अनाउंस करने जा रहे हैं। नवंबर 2023 में जो हमने टैट का एग्ज़ाम लिया ये 8 अलग अलग स्ट्रीम्स में हमने लिया, जिसमें जेबीटी या डीएलएड के लिए पिछले दो बार से एग्ज़ाम हुआ नहीं था जेबीटी डीएलएड का, क्योंकि कोर्ट द्वारा इस पर बैन लगाया गया था। लेकिन इस बार ये कोर्ट का बैन हटने के बाद इसको एग्ज़ाम को करवाया गया, और इसमें जो पास परसेंटेज रही है जेबीटी डीएलएड में वो 32.8% रही है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।